से एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व मंत्री कैलाश जी, सुभाष जी मेहरिया, सांसद दुष्यंत सिंह जी, विधायक राधेश्याम जी गंगानगर, विधायक अशोक जी डोगरा, विधायक अभिषेक जी कटोरिया, पूर्व सांसद निहाल चंद जी, पूर्व विधायक राम प्रताप जी, पूर्व विधायक अशोक जी नागपाल, पूर्व मंत्री टीपी कुलदीप धनकर, प्रधान जी सुभाष जी मुक्कर, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह जी कोहली और मेरे साथ चले थी देर तक श्री राजेंद्र भादू और यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरी सब माताएं बहनें, आपको देख के मैं बहुत ही खुश और बहुत ज्यादा आभार आपको देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके इतनी संख्या में इतने प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरे सब भाई, मेरे बुजुर्गण, आप लोगों को भी जितना भी मैं धन्यवाद दूंगी, मैं समझती हूँ कि वो कम है, क्योंकि आज तो आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूरत घर में पहले भी आई हूँ, रिकॉर्ड तोड़ आपने ये काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहती हूँ। आज सुराज संकल्प यात्रा की आपके बीकानेर क्षेत्र के अंदर ये तीस आखिरी दो दिन और है, उसके बाद बीकानेर की सभा के बाद ये बीकानेर का संभाग में पट जाता है। करीबन 10,000 किलोमीटर चले हैं हम लोग और आप लोगों के पास आए देर से, उसकी मैं सबसे पहले आप सबसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई घंटों से आप लोगों ने यहाँ हमारी राह देखी है, परंतु मैं क्या करूं, रास्ते भर लोगों ने जगह जगह पे रोक के कहीं कहीं ऐसी मीटिंग खड़ी कर दी, कहीं कहीं पंडाल लगा दिए और कहीं कहीं इतने प्यार से हम लोगों को रोका कि रोकना ही पड़ा। किसी ने कहा चांदी का मुकुट ले लो, तो किसी ने कहा सोने की अंगूठी ले लो। मैंने कहा भैया ये चांदी भी नहीं सोना भी नहीं, मुझे चाहिए आपका प्यार, आपका प्यार दे दो। आपका प्यार है तो सब कुछ है और इसी के पीछे हम पागल हैं और इसी के पीछे आप लोगों के दौड़ते दौड़ते आते हैं। आप प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे और आपकी बात को और आपके काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो प्यार के भूखे और दूसरा क्या सड़कें हैं आपकी, फर्स्ट हैंड आपकी सड़क को देखने को मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे कई गांव में से निकल के भी आना पड़ा ये जो सड़क हमने ली है, और मैंने देखा कि इतनी सारी हालत खराब और जहां भी गई थी मुझे गांव वालों ने सबने यही कहा कि हमारी सड़क देखी। मैंने कहा देखी नहीं, मैंने सब खाना भी हजम किया है इसके ऊपर, तो चलते चलते आ रही हूं, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो चल के इसी वजह से आई हूं, यही देखने आई हूं कि जो नहर की यात्रा मैंने की थी मई के महीने में, उस दिन से लेकर आज तक कितना आगे बढ़ा है प्रदेश, ये देखने का दौरा हुआ था। आज मैं सिर्फ आपके एक दिन कहने के लिए आई हूं, अपना हक ले लो, आपका हक आज के दिन मारा जा रहा है। आज 65 साल के बाद अगर हमको गांव के अंदर दूषित पानी पीने को मिल रहा है, अगर हमको गांव के अंदर जिस तरीके से भेड़ बकरी और जानवर को पानी मिलता है उसी तरीके से पानी पीने को मिल रहा है, अगर हमको सही तरीके से बिजली नहीं मिल रही है, अगर हमारे डॉक्टर्स नहीं है, अगर हमारे टीचर्स नहीं है और अगर हमारे रोजगार नहीं मिल रही है, तो फिर कैसी सरकार बैठी है, उसको बैठने का उस कुर्सी पे एक मिनट के लिए भी हक नहीं है। ऐसी सरकार को उतर के नीचे अपने को जमीन दिखाने की जरूरत है। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं, अपना हक मांगो, अपना हक लो और सरकार से अपना हिसाब मांगो। 4.5 साल में क्या किया है ये मैं सबसे पूछना चाहती हूं। मैंने महिलाओं के आंखों में दर्द देखा है,
मैंने आज बड़े बुजुर्गों की आंखों में दुख देखा है, और जब मैंने उनसे बातें की है तो सबसे पहले उनको हाथ सिर के ऊपर हाथ रख के उन्होंने मेरे को बोला है, ये पानी तो पिला दो, हम तो आपके मुरीद हो जाएंगे अगर हमको साफ पानी का इंतजाम आप करा दो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 80% से अधिक फिल्टर प्लांट सब दूर खराब है। आपको आज रसायन का पानी, रासायनिक पानी और गंदा पानी जिसमें मुर्गी भी मिलती है, जिसमें गंदगी भी चलती है, ऐसा पानी निकल के आता है। सरदारगढ़ में मैं रुकी तो सरदारगढ़ में देखा कि पानी आके खाले में जो पड़ता है वहां जानवर भी पीता है, आदमी भी उसको उठाता है। कहां और कौन सी बदतर हालत में आज हम लोग पहुंच गए हैं। मैं आपको बहुत दुख से कहना चाहती हूं कि इसमें से अपने को निकलने की बहुत जरूरत है। रो वॉटर पीना पड़ रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत जोरदार समस्या है। वो माताएं बहनें कहती है कि हमें पानी का इंतजाम करो। बताओ भाई और बहनों, बिजली मिल रही है? किसानों को 8 घंटे बिजली, ये वायदा किया था इस सरकार ने, क्या आप लोगों को 8 घंटे बिजली मिल रही है? अपने घोषणा पत्र में लिखा था बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा, बिजली की दर बढ़ी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार बढ़ी है। 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा आपको मिल रही है? मिली? मैंने माता बहनों को कह दिया कि 24 घंटे घरेलू बिजली, मैंने 18 से 20 घंटे जब तक मैं गई, मेरी सरकार गई, जब तक इतनी बिजली मैं देने का काम चालू कर रही थी। मैं आपको वायदा करती हूँ माताएं बहने, इतनी संख्या में आप यहाँ खड़ी हो, साफ और पर्याप्त पानी आपको हमारी सरकार के द्वारा हम देंगे, और साथ साथ 24 घंटे घरेलू बिजली आपको घरों के अंदर ला के देने का हम काम करेंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को झूठ बोलूं। मैंने कभी चुनाव के लिए या किसी के वोट के लिए झूठ बोलने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। जो भी कहा उसको करने की कोशिश की। एक और झूठ, कांग्रेस की घोषणा किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली देने की घोषणा, आपको मिली? किसी को मिला? नहीं मिला। एक और, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को वेस्ट लैंड का आवंटन करने की घोषणा की थी, मिला आप लोगों को जमीन? किसी भी गरीब को जमीन मिली? अरे आप गलती कर रहे हो, आप हट जाओ प्लीज, आप गलती कर रहे हो। मिली है जमीन, आपको याद नहीं है, जमीन मिली है। किसको मिली? इस देश के दामाद को, उसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। उसने बीकानेर, जैसलमेर और आपके बाड़मेर के अंदर इस मुख्यमंत्री से जितनी जमीन सस्ती लेनी थी वो ली, लेकिन नहीं, और जोरदार तरीके से महंगी बेच के जोरदार पैसा इधर से लेके वापस दिल्ली गए हैं। हमको एक जन को मिला, हमारे किसानों को नहीं मिला, हर एक गरीबों को नहीं मिला, परंतु रॉबर्ट वाड्रा को इस सरकार ने जरूर जमीन दी। और मैं समझती हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों को एक मिनट के लिए भी अपने को उस कुर्सी के अंदर बैठने का मौका नहीं देना चाहिए। ये आपकी हाथ है, आप लोगों को इसका इंतजाम करना, पक्का पूरा इंतजाम करना 4.5 महीने के अंदर होगा। अब क्या किया इनने, मैं ये बताना चाहती हूँ। पहली साल के अंदर भाषण, अपना खुद का स्वागत, अपने खुद के ढोल ढमाके बजा के हमने मौज मस्ती की। दूसरे साल में हमारी सब योजनाओं के फीते काटे। मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं कभी उनके सरकार के किसी भी काम के फीते काट पाऊं। पूरे जोश से उन्होंने जितने भी हमारी योजनाएं थी उनके लगा के पत्थर और फीते काटे। तीसरे साल के अंदर गोपालगढ़, सूरवाल, जिस तरीके से सूरवाल को मारा सब लोग जानते हैं, भौरी, उसका भी किसी को कोई बात छिपी नहीं है। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, सीबीआई के पास 152 CD थे, एक को जिनको इनको मारना था उनकी तो CD आ गई,
परंतु 151 सीडी कहां गई ये भी सीबीआई से अपने को पूछने की जरूरत है, वो पूछे तो मालूम पड़ेगा। चौथे साल में क्या किया, खान आवंटन अपने लोगों को, दामाद को जमीन का आवंटन, रिश्तेदारों को नौकरियां, सरकार परिवार कल्याण में लग गई, जन कल्याण को तो भूल जाओ, परंतु पूरी तरह से अपने परिवार का कल्याण उन्होंने किया, ऊपर से भी नीचे से भी। ये चौथा साल उन्होंने किया है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। पांचवें साल के अंदर अब जो चल रहा है प्रचार, निशुल्क जांच योजना मिल गई कि सबको दवाई निशुल्क किसी को मिली? अभी मैं रस्ते में रुकी थी तो गांव वालों ने मेरे को बोला कि हाँ यह डॉक्टर तो है पर मैडम यहां 100 में से जितनी दवाइयां मिलनी है मुश्किल से 10 या 15 या 20 दवाइयां मिल जाती हैं, और वो भी मुश्किल में मिलती है, तो हमें तो मुफ्त दवाई नहीं, जांच भी नहीं हो रही है। पशुधन जांच, इस पशुधन जांच के अंदर भी आधे से ज्यादा तो दवाइयां वैसे ही फ्री थी, जो 10 दवाइयां रह गई वो मिलती भी नहीं है उसको इन्होंने फ्री कर दी है, और एक एक पशु के जांच के ऊपर 2 रुपया लगा दिया है। तो आपके अगर पशु 25 है तो 2 रुपए तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 रुपए तो आप अपने जेब से निकाल के दोगे। हो गया मुफ्त जांच पशुपालन। इसके साथ साथ 1 रुपया किलो गेहूं मिला किसी को, किसी गरीब को मिला 1 रुपया किलो गेहूं, और किसी को मिला 50 रुपए का बीपीएल के परिवारों को कमरा बनाने के लिए अनुदान, मिला किसी को? नहीं मिला। बीकानेर के पेपर में परसों के दिन पढ़ने को मिला कि 125 लोगों को अनुदान दिया गया, तो वो बड़े खुश हुए, अपना अनुदान लेके उनने पहली किश्त का काम अपना चालू कर दिया, पहला ही किश्त मिला था, उन्होंने अपना वो कमरा तोड़ दिया और ये तैयारी की कि हम नया कमरा बनाएंगे, और वो फिर गए कलेक्टर के पास कि भाई हमारा दूसरा किश्त हमको तो दे दो। उनने कहा अभी दूसरे किश्त के लिए तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, जब तक बरसात आ गई अगर उनका कमरा बना नहीं है, किराए से बेचारे जाके किसी और को रह रहे, तो 2 तरफा मार, किराया भी देना पड़ा, किश्त भी नहीं मिली, मकान भी टूट गया। ये हालत है उस 125 लोगों की। आज ये तो आपके स्कीम की हालत है। किसानों से मैं पता करना चाहती हूँ कि बताओ किसान भाइयों, जब पाला पड़ा था, नुकसान हुआ था, मुआवजा मिला? मुआवजा मिला आप लोग किसी को पीछे? वहां जयपुर में पढ़ने को मिला कि बिजली सस्ती और अच्छा पैकेज, ये हमने किसानों को दिया है, परंतु जहां जहां से मैं आ रही हूं सबने हाथ हिला के मुझे कह दिया कि हमें कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? अब मेरे को यह मिला कि चेक मिल गए, चेक मिल गए हमारे किसान भाइयों को 1,50,000 रुपए बिना ब्याज का, आप लोगों को सहकार से क्यों मिला? मिल गया होगा, मिला कि नहीं मिला किसी किसान को? मिला? अरे आप चिंता मत करो, मैं आ गई, मैंने इतना हल्ला आपके क्षेत्र के अंदर कर दिया कि सोनिया गांधी आ रही कल आपको चेक बांटने के लिए, याद रखना जब आपको वो चेक मिले। आपने ये कांग्रेस वालों को डरा दिया है भाइयों, क्या कर दिया है आपने, डरा के रख दिया है। उनने नागौर में देखा, उनने गंगानगर में देखा, तो नागौर में जो पानी का शिलान्यास 4 साल पहले करना चाहिए था उसको करने के लिए दौड़ के सोनिया गांधी आ रही, और जो पैसा अनाउंसमेंट हो गया था, जिसका पैसा आप लोगों को पहले ही देना था, इतने दिन पहले बोला था, अब जब देखा कि नहीं हो रहा तो सोनिया गांधी को ला रहे हैं कि भैया इनके चेक इनको दे दो, और साथ साथ में थर्मल पावर जो 4 साल पहले शिलान्यास उसका हो जाना चाहिए था ताकि अब तक वो तैयार होके आप लोगों को बिजली दे देता, अब आपके डर की वजह से उसको करने की तैयारी में परसों के दिन यहां आप लोगों के बीच में आ रही। अभी मैं गंगानगर गई तो मेरे 1 दिन पहले करार हो गया मेडिकल कॉलेज का, इस मेडिकल कॉलेज के लिए 9-10 महीने से लोग चिल्ला रहे थे। अरे मैं पूछने जा रही हूं कि मेरे लिए क्यों रुके थे, करना था तो पहले ही कर देते, मेरे 1 दिन पहले आप लोगों ने करने का इसीलिए किया कि आएगी तो लोग अपने इतने मस्त हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज में कि उसके तरफ जाएंगे नहीं, ना उससे मिलेंगे ना उससे बात करेंगे,
परंतु मुझे गर्व है इसी चीज के ऊपर कि इस जनता ने परिवार जैसे मान के जो हमें प्यार दिया है, उस प्यार को हम कभी नहीं भूल सकते, और उस प्यार के कर्ज को राज करके नहीं, सेवा करके पूरा करने की मैं कोशिश करूंगी। ये मैं आप सबको विश्वास करना चाहती हूं। हमारी यात्रा के बाद अब जोरदार रेवड़ियां बट रही हैं। मैंने सबको कहा ये पत्थर लगाओ अभियान चल रहा है, इस पत्थर लगाओ अभियान के साथ साथ मैंने इन सबको आगाह किया कि ये जो काला धन जो मिलाया जा रहा है, ये जो रेवड़ी बट रही है, इस रेवड़ी को ले लो, नहीं तो ये काला धन बन के मिलाया चला जाएगा। आज दिन तक उस काले धन को वापिस लाने का इन्होंने कोई काम नहीं किया है। बोलते जरूर है परंतु आज तक नहीं लाया। सबसे ज्यादा पैसा हजारों करोड़ों में इन स्विस बैंक के अंदर काला धन रखा हुआ है, तो इस कांग्रेस पार्टी का रखा हुआ है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि जब वो रेवड़ी बांटते हैं, जब वो पेंशन देते हैं, जब वो साइकिल बांटते हैं, जब वो लुगड़ी देते हैं, सब ले लो, ये अपना ही है, ये अपना ही पैसा है, ये अपने को मिलना चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहती हूं। मुझे एक चीज का दुख है, ये राजस्थान वो राजस्थान है जिसको महाराणा प्रताप की वजह से, जिसको भामाशाह की वजह से, इन सब लोगों की वजह से राजस्थान को जाना जाता था। राजस्थान के महल, राजस्थान की आन बान और शान, राजस्थान के ओनर वाले लोग, राजस्थान के इंडस्ट्री वाले, इन सब लोगों को दुनिया पहचानती थी। आज हमारी दुनिया के अंदर राजस्थान का इतिहास में नाम लिखा है। लोग दूर से आते हैं राजस्थान को सिर्फ देखने के लिए और छूने के लिए। आज इस कांग्रेस पार्टी ने हमको कलंकित करके रख दिया है, क्योंकि हमारे स्वाभिमान को और हमारी इज्जत को जिस तरीके से मिट्टी में मिला के रख दिया है, उससे हम सबका सर शर्म से झुक जाता है। और मैं अभी आपको पढ़ के बताना चाहूंगी, अपराधों में आज देखना मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इस चीज को याद रखना। और आज अपराधों में देश में दूसरे नंबर पे है राजस्थान। वाह 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 राजस्थान। महिला उत्पीड़न और अत्याचार के अंदर देश में नंबर 3 पर है राजस्थान। महिला दुष्कर्म के मामले में जयपुर नंबर 1 पर है। वाह नंबर 1। अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर देश के 3रे नंबर पे है। सोने की चैन तोड़ने में जयपुर पहले नंबर पे है। और आदिवासी उत्पीड़न के अंदर देश में हम 2रे नंबर पे हैं। और एससी अत्याचार में देश के पहले नंबर पे है। वाह वाह भाइयों, अभी और क्या करने की जरूरत है। हमारा तो नाम हो गया है देश के अंदर इन सब चीजों की वजह से। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहती हूं, शर्म से डूब जाता है, शर्म से जाता है हमारा सर। मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग, जो परिवार अपनी महिला की इज्जत, अपनी बहन और बेटी की इज्जत तक को नहीं बचा सकता, उसको चुल्लू बस पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसको सरकार चलाने का कोई हक नहीं। आज हमारी महिला बाहर जा नहीं सकती है, सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं चल सकती है। जयपुर के अंदर उन मूक फकीरों की कहानी आपने सुनी थी, 8 महीने तक उनके साथ अत्याचार हुआ, बेचारे बोल नहीं सकते थे, कह नहीं, बता नहीं सकते थे किसी को। उनके साथ जो हादसा हुआ, ऐसा मैं समझती हूँ देश के अंदर नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि हमारी बेटी अगर कॉलेज जाती है या स्कूल जाती है तो माता बहने दिल धड़कता है जब तक वो वापिस घर नहीं आती है कि नहीं। जब तक वापस घर नहीं आती तब तक हमको डर लगता है कि हमारी बेटी सुरक्षित है कि नहीं। आज राजस्थान के अंदर यह परिस्थिति हो गई है और कितनी शर्म की बात है। भ्रष्टाचार के अंदर भाइयों आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है। कितनी शर्म की बात है। कहां राजस्थान और कहां ये राजस्थान। बिजली को लेकर सरकार ने जो घोषणाएं की थी उसके बारे में बताना चाहूंगी। इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन मिलने चाहिए थे। आप लोगों को कृषि कनेक्शन मिले, दिए सिर्फ 13,000 ही मिले हैं लोगों को।
पूरे प्रदेश में सिर्फ 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव को विद्युतीकरण करना था, अरे सिर्फ 8 गांव को विद्युतीकृत किया है। कितनी शर्म की बात है। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवार को कनेक्शन देना था, सिर्फ 6,000 को दिया गया है। यह सरकार है कि क्या है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर ऐसी सरकार हमारे साथ रही तो राजस्थान का भविष्य अंधकार में है, इस चीज को ध्यान रखना। और यहां जो भी बैठे हुए हैं सब लोग मिलकर चाहते हैं कि एक नया राजस्थान बने, सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि हमारी महिला अपने पैर पे खड़े होकर सुरक्षित रहे, सब बच्चे चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई हो जाए और आगे हमको रोजगार मिले। और मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर 10 हमारे 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों को हम नौकरी दे सकते थे तो इस सरकार ने नगण्य नौकरी देने का ये काम क्यों किया? उनकी तो कोशिश इतनी ही रही है कि कम से कम नौकरियां दें जो हमारे बच्चों को टीचर बनाने का या डॉक्टर बनाने का इसकी परीक्षाएं हैं। ये मेरे को टेट की धमकी दे रहे हैं कि टेट है और टेट से लोगों को बचना पड़ेगा। मैंने कहा टेट जैसी बाधाओं को निकलते निकलते हुए हम लोग अपने बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले सालों के अंदर जब हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको विश्वास करती हूं कि जब बच्चों को नौकरी जिस तरीके से पहले दिया था उस तरीके से फिर देने का हम लोग काम करेंगे। मेरे किसान भाइयों को मैं आखिरी में कहना चाहती हूं कि ये एक ऐसा नया राजस्थान बनना है जिसमें अगर आज आत्महत्या के कगार पे आप आके खड़े हो तो आपको सही समय पे बीज, सही समय पे खाद, सही समय पे बिजली, सही समय पे पानी और सही फसल का आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो सही मिलने का काम सरकार आपको समझ के उसको देने की कोशिश करेगी। ये हमारा आप लोग सबको वायदा है। मैं देखते आ रही हूं खाले नहीं बने हैं, उन खालों को बनाना है जैसे पहले हम लोगों ने बनाया था। आपकी नहर जर्जर है, उस नहर को फिर से ठीक करना है। मैंने 20 या 30 जेसीबी लाए थे जिन जेसीबी के द्वारा मैंने नहरों को साफ किया था और मुझे गर्व है इस चीज के ऊपर कि मैंने आखिरी तक तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था, लोगों को सही करके गरीब से गरीब आदमी को पानी मिला। और आपके खाने पक्के होके उसके अंदर पानी आया और लोगों को तेल तक पानी दिलाने का मैंने काम किया। यह आप लोगों ने सबने देखा, देखा कि नहीं देखा है। अब मैं कहती हूं कि अगर ये नया राजस्थान बनाना है तो हम लोगों को कुछ प्रश्न भी पूछना होगा। ये प्रश्न पूछे कि योजनाओं में देरियां क्यों हो रही हैं? आप आते हो पत्थर लगाते हो उसके बाद योजना तो होती नहीं है। बिजली पानी सड़क ये सब किसान की मांगे हैं, ये अभी तक हम लोगों को क्यों नहीं दिया गया है? ये हमारा राइट है। डॉक्टर और अध्यापक ये क्यों नहीं लगे जबकि 60% कर्मचारी की जगह जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। और कानून व्यवस्था के हिसाब मांगो भाइयों और बहनों कि ये कानून व्यवस्था इतनी जर्जराई क्यों है और रोजगार रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इस सरकार से ये पूछा जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी मध्य प्रदेश आप देख लीजिए 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश कहां चला गया। और आप लोगों को मैं कहना चाहती हूं कि अगर 10 साल के अंदर वो प्रदेश आगे बढ़ सकता है तो हमारा प्रदेश जिसको बीमारू आपने हमको पकड़ाया था उस बीमारू प्रदेश से हमने अपने पैर पे खड़ा करने का काम राजस्थान के लिए किया और राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया। तो मैं पूछती हूं अगर 5 साल में वो काम हो गया तो हमारा समझ के 53 साल अपन ने लगातार कांग्रेस को दिया है। अगर ये 53 साल हम लोगों को मिल जाते तो चमन हो जाता राजस्थान, गर्त में नहीं पड़ता, चमन हो जाता। 53 साल के अंदर इन्होंने राजस्थान के अंदर कुछ नहीं किया है, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। और मैं कहना चाहती हूं कि इसका बहुत बड़ा जवाब इन कांग्रेस वालों को देना पड़ेगा। अब पीजी कॉलेज ये पुरानी मांग है, ये महाविद्यालय 1977 का है और आप कह रहे हो कि इसको पीजी बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया अभी तक, क्यों नहीं बनाया अभी तक, प्रॉब्लम क्या है?
इसकी चिंता मत करो, ये तो इतना बड़ा काम नहीं है। दूसरी बात, सैकड़ों गांव सेन के चपेट में आए हुए हैं। मैं सब लोगों को कहती हूं कि मेरे टाइम में मैंने 5 करोड़ रुपए दिए हुए थे, पंप लगवाया था, पंप हाउस बनवाया था, सेन का पंपिंग करवाया था और उस सेन को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। वो मामला वहीं के वहीं रुक गया और वहीं रुकने की वजह से वो सेन का चक्कर फिर से चालू हो गया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सरकार उसके लिए भी जिम्मेदार है, कभी ना कभी तो इनको अपनी जिम्मेदारी संभाल के और ऐसी चीजों का संभालना पड़ेगा। इस तरीके से वो नहीं कह सकते कि आ करेंगे, चुनाव का टाइम आया तो फीता काटने सब चले आए, ऐसा काम नहीं चलेगा। आखिर में आप लोगों को ये कहने आई हूं, ये सब आप लोगों के सामने आ गया परंतु राजस्थान का एक सपना जो आपने और हमने देखना है वो पूरा नहीं हुआ। एक राजस्थान, नया राजस्थान, एक नया राजस्थान जिसके अंदर 36 के 36 कौम और सबके सब मजहब एक साथ मिलकर जब चलेंगे तब राजस्थान का भविष्य खुलेगा। हमारे एक दूसरे के बीच में जिस तरीके से इन्होंने अभी तक झगड़ा कराया है, दीवारें खड़ी कर दी है, उनको खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग एक आवाज से आवाज देते हुए बाहर निकलेंगे, मैं आप सबको विश्वास लाती हूं भाई और बहनों, आपके रास्ते में कोई नहीं खड़ा हो सकता है, आपका विकास होगा, होगा और होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा राजस्थान बने, एक ऐसा नया राजस्थान बने जिसमें लोग खुशहाल, समृद्ध, मजबूत, अपने पैर पे खड़े हो जाए। एक ऐसा राजस्थान जिसको फिर से देखने के लिए दुनिया भर के लोग आए। एक ऐसा राजस्थान जिसका नंबर हमारे देश के प्रदेशों में फिर से नंबर एक हो जाए। अगर हम और आप एक ही चीज ये चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके आवाज दो, जोर से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।